अनुरोध किलमों से बंदूक की रेट होती है, लेकिन अर्ची को धोखा देकर ये कैसे भी झाना के पास पहुंच जाता है, लेकिन सच में उसकी तबीयत और ज्यादा खराब बड़ी होती है और ऑपरेशन के वक्त में उसकी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है कि वहाँ पर अनुरोध कहीं ना कहीं उसका साथ देता है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। क्योंकि जब अनुरोध वापस आया होता है तो अर्ची जानबूझकर के जाने की बात उठा देती है। वो जानती है कि कोई भी उसे अपना नहीं मानता है और कभी भी शादी में कोई उसे खुश देखना नहीं चाहता था, लेकिन यही सारी बातें बोल करके ना वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इमोशनल ब्लैकमेल करती है अनुरोध को। लेकिन अनुरोध समझ जाता है कि कुछ और ही बताना चाहती है और यहाँ पे ना अर्ची साफ साफ ये साबित कर देती है कि तुम ही कैरेक्टरलेस हो। अब हालांकि अनुरोध भी सच बताना चाहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और वो साफ साफ क्लियर कर देता है कि देखो तुम्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं है, क्या पता कि मेरी शादी भी तुम्हारे साथ में आगे चले या ना चले, हो सकता है कि इस रिश्ते का अंत भी बहुत जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे अर्जी ने कहीं ना कहीं इन सभी का जिम्मेदार ना जानकी मॉम को मना देती है कि जानकी मॉम और वो दोनों एक ही है, पता नहीं उन्होंने हमेशा दूसरों के साथ में गलत किया है। लेकिन अनुरोध को तो सच्चाई पता है कि जानकी मॉम के साथ में धोखा हुआ था, तो जिस कारण यहाँ पे स्टैंड लेता है और कहीं ना कहीं अर्जी को साफ साफ मना कर देता है कि तुम कुछ भी उनके बारे में उल्टा नहीं बोलोगी, और बहुत गुस्सा भी करता है। वो साफ साफ बोल देता है कि देखो मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है, लेकिन मुझे कल सुबह उठना है। लेकिन तभी पता चलता है कि अर्जी को दुबई जाना है और वो चाहती है कि अनुरोध भी साथ चले, लेकिन अनुरोध साथ जा नहीं सकता, अभी बहुत परेशान होता है। इधर जाने की भी तबीयत खराब होती है और डॉक्टर बोल देता है कि अब जो ट्यूमर है उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और शायद हम कल सुबह ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उससे पहले जो फॉर्म भरनी है तो उसके लिए जाने से परमिशन भी लेना है, क्योंकि वो फॉर्म या तो जाने का कोई अपना रिश्तेदार ही भर सकता है। अब ऐसी बातें सामने आती है जब, तो अब कहीं ना कहीं वो भी परेशान होता है। वो जनक से जाता है बात करने के लिए, तो जनक साहब बोल देते हैं कि देखो आप मेरे दोस्त हो और मैं चाहते हो दोस्ती कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन अगर मेरी मौत हो जाती है तो एक दोस्त समझ कर मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। लेकिन वो चाहते हैं कि इन सभी चीजों के बारे में सबसे पहले अनुरोध को बताया जाए, मेरी तबीयत खराब है और मेरा ऑपरेशन होने वाला है। तो अब आदित्य बिना समय लेट किए वो फोन धरा करके अनुरोध को बता देता है। जब वो अर्शी के साथ बातें कर रहा होता है अनुरोध, तब उसे कॉल आती है और पता चलता है जनक की तबीयत खराब है और जो ये प्रेगनेंसी के बारे में पता चल रही थी वो भी बस एक गलतफहमी थी, मतलब जो डॉक्टर गलतफहमी हुई थी और जनक ने वही सारी बातों को रिपीट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ ना अनुरोध को जब पता चलता है उसे ट्यूमर है और जल्दी ऑपरेशन होने वाला है और सबसे पहले उसे जरूरत होगी ऑपरेशन होते वक्त, तो सच में ये बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे समझ जाता है कि अब जाने की जान बचने वाली है नहीं और इसे कैसे भी करके शायद सात समुद्र लांग करके भी इसे वापस जाना ही होगा जाना के पास में, और यहाँ से वो बस एक नया गेम खेलने लगता है। अर्शी बस मैनिपुलेट करता है और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा काम में बिजी है और वो शायद नहीं आ सकता, जैसे कि वो ऑलरेडी कई बार कर चुका है झूठ बोल करके, या तो वो जाने की शूटिंग पे जा चुका है या फिर कहीं और जहाँ जाने के स्टे कर रहे थे होटल में। अब यहाँ तो ऐसा ही चीजें देखने को मिलती है। अब खैर यहाँ झूठ बोल करके निकल जाता है जनक से मिलने के लिए, लेकिन सच में अनुरोध को ये पता भी नहीं होती है कि अर्शी को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता चल रही है और वो भी पीछे पीछे इसके है। खैर अनुरोध जाता है वहाँ पे, जनक ऑपरेशन होता है और कहीं ना कहीं अब ये बहुत परेशान होता है क्योंकि जल्दी से जनक से मिलकर वापस जाना होता है, क्योंकि सच्चाई पता चल गई तो तमाशा या समझो कि पूरा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और बस इसके लिए अपना दो चेहरा बनाता है और कहीं ना कहीं ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें बहुत ज्यादा मजेदार और स्टोरी को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करेगी यार। अब यहाँ से तो आदित्य को भी समझ में आता है कि अनुरोध कहीं ना कहीं प्यार करता है, नहीं तो एक कॉल पे इतना परेशान होकर के नहीं आ जाता। खैर यहाँ जनक की भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन कुछ मेमोरीज उसकी नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या है क्या नहीं ये तो आने वाली स्टोरी पर डिपेंड करती है, बट ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से जनक झूठी और कहीं ना कहीं एक बहुत ही मंत्रत कहानी बनाने वाली साबित हो जाती है अनुरोध की नजरों में, और बस बेचारे को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अपडेट के आने वाले एपिसोड इसको ही जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी, बट सच में इंटरेस्टिंग हो ही गुरु लोग।